क्या अपने घर से निकलती है। वह घने जंगल में जाती है, दाना ढूंढती है और वापस आती है। वो सुबह दाना लेने जाती, दोपहर दाना लेने जाती और फिर शाम को भी एक बार दाना लेने घने जंगल की तरफ जाती। ऐसे चिड़िया के घर में काफी सारा दाना जमा हो जाता है। गुड़िया बेटी, ये दाना अब हम बारिशों के दिनों के लिए रख लेंगे और नया दाना साथ साथ खा लिया करेंगे। मम्मा, अब बारिशों के दिनों में हमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमने दाना भी जमा कर लिया है। पड़ोसी कौवे जो बहुत आलसी थे, वो हर समय अपने घर में सोए रहते। वो थोड़ी देर के लिए उठते, उनके घर के पास कुछ पौधे चावल के थे। कौवा और कौवी उन पौधों से चावल के दाने खाते और वापिस आकर फिर से सो जाते। एक दिन दाना लेने जाने से पहले चिड़िया कौवों के घर में आती है। कौवे और कौवी, मैंने तो बारिशों के दिनों के लिए दाना जमा कर लिया है, क्या तुमने अभी तक दाना जमा नहीं किया? हमारे घर के पास ही है, हमें खाने को चावल मिल जाते हैं, हमें दूर दूर तक जाकर भटकने की क्या जरूरत है। ये चावल के दाने हमेशा नहीं रहेंगे, 2-4 दिनों में ये खत्म हो जाएंगे। तू हमारी इतनी चिंता ना कर, जब खत्म होंगे तो हम देख लेंगे। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन ऐसा ही होता है। कौवी और कौवे के घर के पास जो चावल के दाने थे वो खत्म हो जाते हैं। अब कौवा और कौवी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। कालू, अब हमें किसी तरह चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन चुरा कर लाना होगा। गोरी, हम ऐसा करते हैं, चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर जाएगी, हम चिड़िया का भोजन चुरा लेंगे। वो ऐसा ही करते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के घर के पास एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। गुड़िया बेटी, ताला कहाँ है? ताला उठा लो। चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। मम्मा, ये ले, ये ताला लगा दे। चिड़िया एक बड़ा ताला अपने घर के दरवाजे को लगाती है और चली जाती है। गोरी, ये क्या हुआ? चिड़िया ने तो अपने दरवाजे को ताला लगा दिया है, अब हम चिड़िया का भोजन कैसे चुराएंगे? फिर गोरी कौवे की नजर खिड़की पर जाती है। खिड़की के रास्ते, कालू, मैं खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती हूँ। गोरी कौवे खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाती है और कुछ दाने चुरा कर जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। कौवा और कौवी अपने घर में बैठकर चिड़िया के चुराए हुए दानों से दावत करते हैं। कालू, कालू जी, अब तो बहुत मजा आएगा, चिड़िया रोज ताला लगा कर चली जाया करेगी और मैं खिड़की से जाकर चिड़िया का भोजन चुरा लिया करूंगी। पागल पागल, चिड़िया को कभी खबर ही नहीं होगी कि कोई उसका दाना चुरा रहा है। मम्मा, ये लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है? मैं आपको घर जाकर बताऊंगी। गुड़िया और उसकी मम्मा दाना ढूंढ लेती हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर मम्मा चिड़िया रास्ते में कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती है। कबूतर चाचा, मुझे तो बड़े कील दे दे। चिड़िया, ये लो, ये कील बहुत मजबूत भी है और बड़े भी। घर आकर चिड़िया वो लकड़ी का टुकड़ा खिड़की पर लगाती है और अंदर से कील ठोंक कर उसे मजबूत कर देती है। मम्मा, क्या खिड़की के रास्ते भी चोर आ सकता है? हाँ बेटी, चोर सब कर सकता है। दूसरे दिन चिड़िया निश्चिंत होकर अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी और कालू जब चिड़िया का दाना चोरी करने आते हैं तो खिड़की को बंद देखकर निराश हो जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, उसने तो आज खिड़की भी बंद कर दी है। तुम चिंता ना करो गौरी, मेरे पास इसका भी उपाय है। कौवा सीधा लकड़हारे पक्षी के पास जाता है। लकड़हारे पक्षी, मेरे घर की छत में एक सुराख करना है, क्या तुम कर दोगे? हाँ कौवे, मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ। फिर कौवा लकड़हारे पक्षी को साथ लेकर आता है और चिड़िया के घर को अपना घर कहता है। ये घर मेरा है,
इसकी छत में एक छोटा सा छेद कर दो। मैं हैरान हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों अपने नए घर के छत में छेद करवा रहे हो? चाचा जी, रोशनी नहीं आती हमारे घर में, इसलिए। लकड़हारा घर की छत में छेद करता है और चला जाता है। गौरी आसानी से उस छेद में से चिड़िया के घर में जाती है और दाना चुरा लाती है। गौरी रुको, मैं इस छेद पर एक पत्ता रख देता हूँ ताकि चिड़िया को खबर ही न हो। कौवा छेद पर एक पत्ता रख देता है और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद कौवे हर रोज ऐसा ही करने लगे। जब भी चिड़िया घर से बाहर जाती, कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते और दाना चुरा कर छेद पर पत्ता रख देते। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा दाना चुरा रहा है। मम्मा, मगर दरवाजे पर ताला है और खिड़की भी बंद, फिर कोई चोर कैसे हमारा दाना चुरा सकता है? जो भी है, हम आज छुप कर देखेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी घर के पास ही छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी आते हैं। कौवा छत से पत्ता हटाता है और गौरी घर में घुस जाती है। तो ये बात है, ये कौवा और कौवी बहुत चातर हैं। मगर मैं भी इन्हें चोरी की सजा जरूर दूंगी। चिड़िया लोहार पक्षी के पास जाती है। लोहार, मुझे एक लोहे की सुलाख बना कर दो। ये सुलाख लोहे की है, ये एक बार गर्म होने पर देर तक गर्म रहती है। मैंने एक कौवे की पूंछ पर लगानी है ये सुलाख। लोहार पक्षी, इसे सामने से तेज भी कर दो। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से लोहे की सुलाख लेकर घर आ जाती है। मम्मा, अब क्या करना है? अब मेरी गुड़िया बाहर जाएगी और बाहर से ताला लगाकर उसी पेड़ के पीछे छुप जाएगी। मैं भी देखूंगी, कौवे अंकल को सजा मिलते मैं भी देखूंगी। गुड़िया घर से बाहर जाती है और ताला लगाकर छुप जाती है। चिड़िया भी लोहे की सुलाख अच्छे से गर्म कर लेती है और संदूक के पीछे छुप कर बैठ जाती है। रोज की तरह बेडर होकर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं। कालू पत्ता हटाता है और गोरी घर के अंदर घुस जाती है। गोरी अपने ध्यान बैठी दाना खा रही थी। चिड़िया पीछे से गरम गरम लाल लोहे की सुलाख गोरी कौवी की पूंछ पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई, मेरी पूंछ जल गई। चोरी का दाना खाओगी, पूंछ तो जलाओगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से गरम गरम सुलाख गोरी कौवी की पूंछ पर लगाती है। गोरी कौवी भागती है, मगर चिड़िया भी गरम लोहे की सुलाख लेकर गोरी और कालू के पीछे पीछे जाती है। गोरी की पूंछ से ऐसे धुआं निकल रहा था जैसे किसी बड़ी गाड़ी से निकलता है। कौवे और कौवी को चोरी की सजा मिलती है।